और संघर्षशील युवा नेता खान सिंह डोली से अपनी बात संक्षिप्त में रखें। हमारे बीच हमारे छोटू भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी पधारन को स्वागत करें तालियों से। बैठो सभी अभी अभी बहुत सारे वक्ता बोलने हैं। आप करके अगर के आधा घंटा शांति बनाए रखें और बैठे, आप सब बैठे आधा घंटा। भारत माता की हनुमान बेनीवाल, आज कैसा लगा भाई? मजा आया पक्का। आज बाड़मेर की आप सभी कार्यकर्ताओं से मां भवानी की कसम है, अनुशासन से नीचे बिराज जाए। आराम से सुने, अभी पूरे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा सहित प्रदेश के नेतागण अपने बीच में अपनी बात रखेंगे। सामने खड़े उनसे निवेदन है, बिराजे भाई बिराज जाओ, सभी साथियों से निवेदन है बिराज जाओ। आप एक बार बैठ जाओ शांति से। अभी बहुत सारी बातें, बहुत सारा आगामी 20 दिनों का जो कार्यक्रम है उसके बारे में दिशा निर्देश तय करने हैं। लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है, लड़ने के लिए तैयार है सभी पक्का। मंच पर विराजित सभी नेतागणों को, वैसे सभी मेरे से बड़े लग रहे हैं, सभी को मेरा प्रणाम। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से मुझे आप लोगों के बीच में बात रखने का मौका मिला है। आपसे निवेदन है कि आप सब उम्मीदवार हैं बेनीवाल बनकर मजबूती से आगामी 25 दिनों तक पूरे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के हर घर में जाकर क्रांति की अलग जगाएंगे। उम्मीदवार राम बेनीवाल बाड़मेर, जैसलमेर के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि उम्मीदवार राम जी के पास शिक्षा का विजन है। उम्मीदवार राम बेनीवाल बाड़मेर, जैसलमेर के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके पास नए औद्योगिक क्षेत्र को डेवलप करने का विजन है। उम्मीदवार राम बेनीवाल बाड़मेर, जैसलमेर के लिए इसलिए जरूरी है, ये स्थानीय लोगों को रोजगार की बात करता है, स्थानीय लोगों को आगे लाने की बात करता है। बाकी नेताओं को तो आपने देखा है, इधर उधर दिल्ली जयपुर के चक्कर लगा रहे हैं, हमारे बीच में अभी तक आने की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि बाड़मेर, जैसलमेर की जनता ने मन बना लिया है इस बार उम्मीदों की उम्मीद का उदय होगा और बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर नए संकल्पों की ओर आगे बढ़ेगा। मेरा पुनः आपसे निवेदन है, बहुत सारे वक्ता है इस क्रांति की अलग को जगाते हुए, हमें एक होकर एक जादू पे बैठकर आगे बढ़ना है। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। धन्यवाद धान सिंह जी, मेरा निवेदन रहेगा गजेंद्र चौधरी आरएलपी नेता जो अपनी बात संक्षिप्त में रखे, कृपया करके जो भी वक्ता है अपनी बात संक्षिप्त में रखे। अरे एक बार सुनो, एक बार आप लोग हेमाराम जी बिराजे हुए हैं, हमारा को ये परिचय देना कि हम अनुशासनशील है। थोड़ा सा आधा घंटा आप धैर्य रखें, मंच पर हमारे बड़े नेता बैठे हैं, तो आपको आज ये इस सभा के माध्यम से ये मैसेज देना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता अनुशासन के साथ, शालीनता के साथ गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर के उम्मीदवार राम जी को जिताने का काम करेंगे। बाड़मेर, जैसलमेर के इस सीमावर्ती क्षेत्र से, इस तपती हुई दोरारी धरती से जो आंधी आज इस मैदान से उठी है वो जोधपुर, नागौर होते हुए जयपुर के रास्ते दिल्ली की ओर बढ़ेगी और उम्मीदवार राम जी आप और हम सब की आवाज बनकर के संघर्ष करेंगे। समय कम है, हमारे वरिष्ठ नेता सारी बातें बताएंगे और आगामी समय के अंदर आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी की भी बड़ी सभाएं बाड़मेर के अंदर होगी।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हेमा राम जी चौधरी, हनुमान बेनीवाल, मंच के तमाम नेता, अभी आपको अनुशासन के साथ में हेमा राम जी चौधरी सहित सभी बड़े नेताओं की बात सुननी है और उसके बाद में उमेदा राम जी के साथ में पैदल चल करके कलेक्ट्रेट नामांकन के लिए जाना है, लेकिन अनुशासन के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए मेरा निवेदन रहेगा पचपदरा के पूर्व विधायक आदरणीय मदन बच्चापची जी, अपने जो बात रखे मदन बच्चापची, महेंद्र कड़वासरा जेएनयू के छात्र नेता है, वो अपनी टीम साहब को पधारे, उनका भी धन्यवाद। अरे भाई सबारो आनंद लेनो है, जना तो आवाज कम करो, मेहरबानी कर शांति करो। थोड़ी आवाज कम करो तो हमारी बात हुणवारो आनंद आवेला। अनवास तो हमारा निवेदन है कि आपने जोश भी है, आपने ज्यादा जोश है, धन्यवाद कि आपने जोरदार मंदिर में भावना है, पर जब तक आप नेता अपनी बात नहीं रखे, जब तक मेहरबानी करें थोड़ी आवाज कम करो तो माई को आवाज आगे आवे। आज अपर बीच में अपरा नेता, अरे आवाज कम करो को करनी हुआ अड़ू आवे को नहीं, अपरा नेता परम आदरणीय हेमा राम जी, आदरणीय हरी जी और अपरे कांग्रेस रा उम्मीदवार लोकप्रिय युवा नेता भाई उम्मीदा राम जी बेनीवाल और किसानारा नेता आदरणीय कर्नल सोनाराम जी, जिला अध्यक्ष गोपाराम जी, आदरणीय कपूर अहमद जी, उमेश सिंह जी और मंच माते, आज मैंने बड़ी खुशी कि पूरा परिवार तमाम मुखिया मंच माते विराजी और आदरणीय रूपाराम जी, पद्माराम जी और थान सिंह जी और मंच माते जत्रई मैं ये भाई आवाज छोड़ दी